हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बनाना बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 4 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। 10 से गुणा करके फंदे लेंगे, 10 10 ऐसे काउंट करते जाएंगे और लास्ट में 4 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए इस लाइन मैंने 34 फंदे डाल रखे हैं। डिजाइन बनाने से पहले 2 सिलाइयाँ बेसिक सिलाइयाँ बना लेनी है, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद डिजाइन शुरू होगा। तो देखिए फाउंडेशन रो ये 2 सिलाइयाँ डिजाइन में काउंट नहीं होगी। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और 2 फंदों को बैक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है, 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। देखिए एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे, यही फिर रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे। फिर 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है, ऐसे फंदे को पलट लेंगे और 2 फंदों का बैक साइड से जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है। फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे। अब देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ, ऐसे ही इधर भी रिपीट करना है। देखिए 2 फंदे उल्टे, लास्ट में स्ट्रा फंदा, इसको सीधा फंदा बना लेंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको ऐसे ही बना लेना है। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और देखिए इधर से जो फंदे उल्टे हैं तो रॉन्ग साइड से उन फंदों को सीधा बुनेंगे, तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए धागा आगे करेंगे, ये 4 फंदे उधर से सीधे थे राइट साइड से, तो रॉन्ग साइड से उन 4 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, सॉरी धागा पीछे नहीं करना है। फिर देखिए 4 उल्टे, 5 उल्टा, ये जाली वाला फंदा, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे, देखिए इधर से 2 फंदे सीधे, इसको भी उल्टा बनाएंगे, 6 2 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए 2 फंदे राइट साइड से उल्टे थे तो रॉन्ग साइड से 2 फंदों को सीधा फंदा बना लेंगे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए फिर इधर से रॉन्ग साइड से सीधे फंदे हैं तो उल्टा फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, सीधे पर सीधा बुनना है, उल्टे पर उल्टा बुनना है, रॉन्ग साइड की रो हर बार ऐसे ही बनानी है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं। अब देखिए 2 एक्स्ट्रा सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं, बेसिक रो। अब देखिए डिजाइन की पहली सिलाई, राइट साइड पहली सिलाई। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, रो 1 है राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करना, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे,
तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे बैक साइड से। इस फंदे को पलट लेंगे और दो फंदों को बैक साइड से ऐसे जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है। फिर देखिए तीन फंदे सीधे, 1 2 3, तीन फंदे सीधे। देखिए एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, 10 फंदों का ये डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर इधर भी यही रिपीट करना है, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1 2, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और देखिए तीन फंदे सीधे, 1 2 3, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है। पीछे साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और देखिए अब फिर तीन फंदे सीधे, 1 2 3, तीन फंदे सीधे। अब इधर भी ऐसे ही रिपीट करनी है। देखिए तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और देखिए लास्ट में दो फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा, इसको सीधा फंदा बना लेंगे। अब आ जाइए रो टू दूसरी सिलाई, रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लीव करना है। अब देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको ऐसे ही बना लेना है। दो फंदे राइट साइड से उल्टे थे तो रॉन्ग साइड से दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे, क्योंकि रॉन्ग राइट साइड से तीन फंदे सीधे थे तो तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे। और देखिए तीन और ये वाला फंदा, दो फंदों का जो एक फंदा हुआ था, चार फंदा, 5 6 6 7 1 8। देखिए आठ फंदे उल्टे आएंगे, दो फंदे सीधे आएंगे। ऐसे ही रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करनी है। हर बार ऐसे ही जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। रॉन्ग साइड की रो हर बार मैं आपको बुन के नहीं दिखाऊंगी। अब आ जाइए राइट साइड तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और देखिए दो फंदे जो उल्टे हैं तो उसको हर बार उल्टा ही बना लेना है। तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए चार फंदे सीधे, क्योंकि जाली से इधर फंदे बढ़ेंगे और देखिए इधर फंदे घटेंगे। दो का जब एक करेंगे तो इधर से फंदे घट जाएंगे और इधर फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए तीन फंदे सीधे थे, अब चार फंदे, 1 2 3 4, फोर फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो फंदों का बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। से जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है। अब फिर देखिए दो फंदे सीधे, 1 2, दो फंदे सीधे। यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर इधर भी ऐसे ही रिपीट करना है। दो फंदे उल्टे, 1 2, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, 1 2 3 4, चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा ऐसे पीछे की साइड से बना लेंगे। फिर देखिए फिर दो फंदे सीधे, 1 2, दो डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर इधर भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब आ जाइए चौथी सिलाई, रॉन्ग साइड की रो। सीधा पर सीधा बुनना है, उल्टा पर उल्टा बुनना है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है, दूसरी सिलाई की तरह। अब आ जाइए राइट साइड पांचवी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे, 1 2, जो उल्टे फंदे हैं उसको उल्टा ही बनाना, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए अब पांच फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, पांच फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए जाली से फंदे इधर बढ़ रहे हैं, धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को पलटेंगे और 1 2, दो फंदों को एक फंदा ऐसे पीछे एक साइड से जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। अब फिर देखिए अब एक फंदा सिर्फ सीधा रह गया इधर,
क्योंकि इधर फंदे देखिए, इधर से फंदे घट रहे हैं, इधर से फंदे बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये डिजाइन कंप्लीट हुआ। धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, वन टू, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और देखिए पांच फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और देखिए धागा आगे करेंगे तो जाली डालते हुए दो फंदों का बैक साइड से एक फंदा बना लेना है, फिर एक फंदा सीधा। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर इधर भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब पांचवी सिलाई, सॉरी रॉन्ग साइड की रो है, छठी सिलाई, सिक्स रो है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं रॉन्ग साइड की रो, दूसरी सिलाई की तरह छठवीं सिलाई भी कंप्लीट करनी है। अब आ जाइए राइट साइड सेवंथ रो पे सातवीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उसको तो दो फंदा उल्टा बोल लेंगे। पहला फंदा स्लिप किए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अब छह फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह फंदे सीधे बुनेंगे। छह फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर देखिए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे एक साइड से, दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। देखिए एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, दो फंदे उल्टे, छह फंदे सीधे, फिर दो जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब भी इधर कोई भी फंदा सीधा नहीं है, फिर यही रिपीट करनी है, दो फंदे उल्टे, वन टू, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, छह फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटेंगे, फिर दो फंदों का बैक साइड से एक फंदा बना लेना है, फिर ऐसे इधर भी रिपीट करना है। दो डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको वैसे ही बना लेना है, सीधा पर सीधा और उल्टा पे उल्टा, दूसरी सिलाई की तरह। अब आ जाइए राइट साइड नवीं सिलाई, नवीं सिलाई में ध्यान दीजिएगा क्या करना है, पहला फंदा स्लीव करेंगे, पहला फंदा स्लीव करना है, धागा आगे करके जो उल्टे फंदे हैं उसको तो हर बार उल्टा ही बनाना है, तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए पांच फंदों को ट्विस्ट करना है, तो देखिए कैसे करना है, दो फंदों को पीछे ले जाना है, दोनों जो आगे फंदे हैं, और इन तीन फंदों को आगे लाना है। तो देखिए दो, वन टू, दो फंदों को छोड़ के अब इन तीन फंदों में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे, वन टू थ्री, तीन फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे और देखिए ऐसे फंदे को, दोनों फंदों को गिराएंगे और फिर दो फंदों को पीछे ले जाएंगे, पीछे एक साइड से लेफ्ट वाली सिलाई में ले लेंगे और फिर इन तीन फंदों को फिर वापस से लेफ्ट वाली सिलाई में ऐसे ले लेना है। अब देखिए इसमें से, अब पांच फंदे हैं, इसमें से दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू, दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाना है, तो इस फंदे को पलटेंगे ऐसे इस तरह से, अब फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, वन टू, दो फंदों का बैक साइड से एक फंदा, जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है, दो फंदों का एक फंदा बना लेना है, यहाँ पर एक जाली बन गई। फिर उसके बाद देखिए इधर चार फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, चार फंदे सीधे। अब देखिए एक फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इधर भी यही रिपीट करनी है, तो देखिए कैसे, दो फंदे उल्टे, वन टू, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अब इन पांच फंदों को ट्विस्ट करना है, तो दो आगे वाले दो फंदे छोड़ के इन तीन फंदों में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे तीन फंदों को, और इन तीन फंदों को आगे ले जाना है आगे एक साइड से, और इन दो फंदों को पीछे ले जाना है पीछे एक साइड से ऐसे, फिर इन तीन फंदों को फिर लेफ्ट वाली सिलाई में ऐसे वापस लेंगे और फिर दो फंदों को सीधा बुनेंगे, वन टू, दो फंदे सीधे बुनेंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे। जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो पहले इस फंदे को पलटेंगे और 1 2 दो फंदों को पीछे एक साइड से, दो फंदों को पीछे एक साइड से यहाँ पर जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेना है, दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। देखिए यहाँ पे एक फंदा बचा हुआ है क्योंकि इसमें कब फंदा था, तो एक फंदा ये और तीन फंदे, चार फंदों को सीधा बुनना है। 1 2 3 4 चार फंदे सीधे। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इधर भी ऐसे ही रिपीट करना है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, 10वीं सिलाई डिजाइन की लास्ट रो। देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाते जाना है, सीधे पर सीधा। दो फंदे, दो दो फंदे देखिए सीधे हैं और बाकी फंदे उल्टे आएंगे। देखिए यही 10 सिलाइयां जब बार बार रिपीट करेंगी तो ये डिजाइन बनता चला जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी बेसिक रो नहीं बनाना है, फिर फर्स्ट रो से इस डिजाइन को शुरू करना है। जैसे दो सिलाइयां यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बनाई थी नीचे, ऐसे ऊपर अब नहीं बनाना है। तो देखिए फर्स्ट रो से फिर शुरू करेंगे। एक बार मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ, डिजाइन की पहली सिलाई से फिर इस डिजाइन को शुरू करना है 11वीं सिलाई से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और दो फंदे सीधे, 1 2 दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब देखिए दो फंदों का एक फंदा ऐसे धागा आगे करके जाली डालते हुए, सॉरी दो फंदे, सॉरी तीन फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए पहला फंदा स्लीव करेंगे, यहाँ से डिजाइन रिपीट होगा। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, जैसे पहली सिलाई में बनाए थे, क्योंकि इसमें फाउंडेशन रो नहीं बनानी है। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली डालते हुए इस फंदे को पलटेंगे और जाली डालते हुए बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, 1। तो देखिए फ्रेंड ये डिजाइन इस तरह से बनके तैयार हो गया है। इसको आप जेंट्स और लेडीज के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। रिपीट करनी है, यही 10 सिलाइयां रिपीट करना है।